नमस्कार, मेरा नाम है आसिफ असरार और आप देख रहे हैं द फोर्थ पिलर डॉट न्यूज। लोकसभा चुनाव की तैयारी में सभी राजनीतिक दल लग गए हैं। अगले कुछ महीनों में लोकसभा चुनाव की घोषणा हो जाएगी, लेकिन झारखंड का एक ऐसा सीट है जो फिलहाल हॉट सीट माना जा रहा है और कहा जा रहा है कि इस सीट पर कई उम्मीदवार अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं और सीट है पलामू लोकसभा सीट। पलामू लोकसभा सीट अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व है। पलामू लोकसभा सीट से फिलहाल भाजपा के विष्णु दयाल राम सांसद हैं। विष्णु दयाल राम झारखंड के पूर्व डीजीपी रह चुके हैं। जैसे जैसे चुनाव का समय करीब आ रहा है, वैसे वैसे लोकसभा सीट पर अपनी दावेदारी पेश करने के लिए कई दिग्गज भी सामने आ रहे हैं। भाजपा से टिकट के लिए कई बड़े चेहरे अपने अपने दांव पेच लगा रहे हैं, जबकि इंडिया गठबंधन की तरफ से पलामू लोकसभा सीट पर राजद, कांग्रेस और जेएमएम से कौन चुनाव लड़ेगा, इस पर तस्वीर अभी साफ नहीं हो पाई है। भारतीय जनता पार्टी के विष्णु दयाल राम 2014 और 2019 में पलामू लोकसभा सीट से सांसद चुने गए। पार्टी सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार पलामू लोकसभा सीट से कई और लोग चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर कर रहे हैं, जिसमें पूर्व सांसद ब्रज मोहन राम, पूर्व एससी आयोग के अध्यक्ष शिवधारी राम और प्रभात कुमार के चुनाव लड़ने की चर्चा तेज है। लेकिन फिलहाल मौजूदा वक्त में विष्णु दयाल राम की दावेदारी को सबसे अधिक मजबूत बताया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम रुख करें इंडिया गठबंधन की ओर, तो इंडिया गठबंधन से कौन चुनाव लड़ेगा, इसकी तस्वीर अभी साफ नहीं हो पाई है। कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल ने इस सीट पर अपनी अपनी दावेदारी प्रस्तुत की है। इंडिया गठबंधन की तरफ से राजद के घूरम राम, वहीं कांग्रेस की तरफ से पूर्व लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार, बिसूत्री उपाध्यक्ष बिमला कुमारी, राज्य के पूर्व डीजीपी, पूर्व सांसद कामेश्वर बैठा समेत कई नाम चर्चाओं की सूची में शामिल हैं। अब चलिए थोड़ा रुख कर लेते हैं सीट से जुड़े आंकड़ों पर। जैसा कि हमने पहले ही बताया कि पलामू लोकसभा सीट एक एससी रिजर्व सीट है। पलामू लोकसभा सीट का साक्षरता दर 51.68% है। वहीं पलामू लोकसभा सीट पर एससी मतदाताओं की संख्या लगभग 5,02,096 है, जो कि 2011 की जनगणना के अनुसार लगभग 25.9% है। अब चलिए अब देख लेते हैं कि इस सीट पर एसटी मतदाताओं की संख्या क्या है। पलामू लोकसभा सीट पर एसटी मतदाताओं की संख्या लगभग 2,30,693 है, जो कि पूरे मतदाताओं की संख्या का लगभग 11.9% है। वहीं मुस्लिम मतदाताओं की संख्या लगभग 2,85,222 है, जो कि मतदाता सूची के विश्लेषण के अनुसार लगभग 14.7% है। पलामू लोकसभा सीट पर ग्रामीण मतदाताओं की संख्या लगभग 17,36,979 है, जो कि कुल मतदाताओं का 89.6% है। वहीं चलिए अब आगे बढ़ते हैं। पलामू लोकसभा सीट पर शहरी मतदाताओं की संख्या लगभग 2,01,614 है, जो कि 2011 के जनगणना के अनुसार लगभग 10.4% है। 2019 के लोकसभा चुनाव के अनुसार पलामू लोकसभा सीट के कुल मतदाताओं की संख्या 19,38,593 है। इस सीट पर पिछले दो बार से, यानी कि 2014 और 2019 में मौजूदा भाजपा सांसद विष्णु दयाल राम को जनता ने चुना और 2009 के लोकसभा चुनाव में जेएमएम के कामेश्वर बैठा को जीत हासिल हुई थी। तो ये है पलामू लोकसभा सीट का पूरा लेखा जोखा। तो फिलहाल आप देखते रहिए द फोर्थ पिलर डॉट न्यूज। धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं कि हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बिना देरी के मिलता रहे, तो आप इस चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लें। बाकी आप हमारे काम को लेकर कोई सुझाव हमें देना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में आप सादर आमंत्रित हैं। इसके अलावा हमारे वीडियोस आपको अलग अलग ठिकानों जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर भी देखने को मिलेंगे, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिए गए हैं। शुक्रिया।